नमस्कार। हम सभी को पता है कि बच्चे एजुकेशन के लिए स्कूल जाते हैं, बट विदाउट अ टीचर, विदाउट स्टूडेंट्स, स्कूल जस्ट रिमेन्स लाइक ए लाइफलेस बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स कांट गेन नॉलेज इन अब्सेंस ऑफ ए टीचर। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि एक बच्चा घर पे सेफ रह के स्टडी करता है या स्कूल बिल्डिंग में बैठ के स्टडी करता है? आई डोंट थिंक देयर इज सो मच डिफरेंस। एंड आई थिंक दिस टेक्निक विच वी अडॉप्टेड इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन इज रियली ए वेरी नाइस टेक्निक, बिकॉज वी नो वेरी वेल इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ टू गो टू स्कूल एंड इट्स ऑल्सो नॉट सेफ फॉर देम। तो मुझे लगता है कि हमें इस टेक्निक को लाइफ टाइम के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि हर बुरी सिचुएशन हमें कुछ नई चीज़ें सिखाती है। बिकॉज वी डोंट नो विच काइंड ऑफ सिचुएशन वी विल फेस इन फ्यूचर, मे बी वी विल अगेन फेस सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन फ्यूचर, सो आई थिंक वी शुड गेट रेडी फॉर दैट एंड वी मस्ट अवेयर ऑफ दिस टेक्निक फॉर फ्यूचर ऑल्सो। और देखिए, जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं होती है, वो हमारी नॉलेज के लिए होती है। सो स्टूडेंट को ये सोच के तो बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए कि उनके एग्जाम्स आएंगे तब पढ़ाई होगी या एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है। नो, दिस इज नॉलेज एंड वो लाइफ टाइम के लिए हमें सीखनी चाहिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द स्टडी इज नॉट ओनली फॉर एग्जाम, दिस इज ऑल्सो फॉर नॉलेज। एंड नाउ आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल पेरेंट्स फॉर देयर कोऑपरेशन एंड ऑल्सो वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल RPS टीम फॉर देयर एफर्ट्स। एंड नाउ आई वॉन्ट टू सजेस्ट एंड रिक्वेस्ट ऑल पेरेंट्स टू गेट रजिस्टर देयर वार्ड फॉर RPS ओलंपियर्स, बिकॉज दीज ओलंपियर्स आर नॉट ओनली फॉर एनी काइंड ऑफ प्राइज और एनी काइंड ऑफ रिवार्ड, बट दीज आर टू चेक एबिलिटीज और ऑफ योर वार्ड। सो प्लीज़ रजिस्टर योर वार्ड फॉर RPS ओलंपियर। थैंक यू।